जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मात्रक तथा बीमा के अंतर्गत हम लोग विमीय संतुलन का परीक्षण करेंगे। यानी अगर कोई सूत्र दिया होगा और उस सूत्र को हम विमीय विधि से बताएंगे कि वह सूत्र सही है या गलत है, तो अब इसके लिए हम करते क्या हैं कि सूत्र में लेफ्ट की बीमा निकालते हैं, राइट की बीमा निकालते हैं। अगर दोनों तरफ की बीमाएं समान हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दिया गया सूत्र विमीय संतुलन में है, विमीय संतुलन में है, यानी कि दिया गया सूत्र सही है। और अगर लेफ्ट और राइट की बीमाएं समान नहीं होती हैं तो कहते हैं कि दिया गया सूत्र विमीय संतुलन में नहीं है। तो चलिए इसको हम शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं विमीय संतुलन का परीक्षण करना। यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई सूत्र दिया रहेगा और विमीय विधि से हम बताएंगे कि दिया गया सूत्र सही है अथवा गलत है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा यच ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग भी। यानी अगर किसी पिंड को आप ऐसे कह लीजिए कि यदि किसी पिंड को यच ऊंचाई, पिंड को यहाँ से गिराया जा रहा है नीचे की तरफ, तो जब यह पिंड यच ऊंचाई से गिराया जा रहा है और जब ये पृथ्वी तल पर आ रहा है तो पृथ्वी तल पर आने के बाद उसका वेग भी हो जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अर्जित वेग, यानी पिंड जब यच ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो नीचे गिरने के बाद उसके द्वारा अर्जित वेग माने प्राप्त किया गया जो वेग है वो भी है, और उसके लिए सूत्र दिया गया है अंडर रूट टू जी एच। इसका परीक्षण करना है, यानी इसको बताना है कि ये सूत्र सही है अथवा गलत है। तो एक चीज हम आपको बता दें, इसके लिए हम लेफ्ट की बीमा निकालेंगे, राइट की बीमा निकालेंगे, और अगर दोनों तरफ की बीमाएं समान हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि यह सूत्र विमीय संतुलन में है, और जब सूत्र विमीय संतुलन में होगा तो सूत्र सत्य होगा। तो चलिए इसके लिए हम एल एच एस की बीमा निकालेंगे, और एल एच एस में आप देख रहे हैं कि वेग है, और वेग की बीमा हम आपको बता चुके हैं कि ये एल टी इनवर्स होती है। अब हम आर एच एस की बीमा निकालेंगे। चलिए आर एच एस की बीमा निकालते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, देख अंडर रूट दिया हुआ है टू जी एच, तो टू जो है संख्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और इसका कोई बीमा नहीं होती है, यानी टू की कोई बीमा नहीं होगी। तो आप अंडर रूट देखें, जी है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा वही होती है जो त्वरण की बीमा होती है, और आपको पता है कि त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू, और यच ऊंचाई है, ऊंचाई दूरी होती है, दूरी लंबाई होती है, और लंबाई की बीमा होती है एल। फिर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एल इंटू एल, रूट के अंदर एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी माइनस टू है, आप इसकी बीमा निकालिए। तो अब इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो यल स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, यल होगा, और टी का पावर माइनस टू का वर्गमूल निकालेंगे, टी इनवर्स होगा। तो आप देख रहे हैं कि एल एच एस की बीमा एल टी इनवर्स आया था, और आर एच एस की बीमा भी एल टी इनवर्स आ गया, दोनों तरफ की बीमाएं समान आ गई। अब हम यहाँ लिख देंगे
LHS की बीमा इजकल टू RHS की बीमा, RHS की बीमा, अतः दिया गया सूत्र बीमीय संतुलन में है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिया गया सूत्र सत्य है। ठीक है, ये जो सूत्र दिया गया है लिख देंगे यहाँ, अतः दिया गया सूत्र सत्य है, सूत्र सत्य है। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम देखेंगे कि LHS की बीमा क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे कि RHS की बीमा क्या है, और अगर LHS और RHS दोनों तरफ की बीमाएं समान आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया जो सूत्र है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण H इज इक्वल टू या S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर विमीय विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। तो विमीय विश्लेषण की दृष्टि से ठीक तब होगा जब LHS की बीमा और RHS की बीमा दोनों समान हो जाएगी। तो चलिए, जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इसकी भी LHS की बीमा निकालेंगे, और LHS में S जो है दूरी होती है, और S दूरी होती है, दूरी लंबाई होती है, और लंबाई की बीमा होती है L, तो LHS की बीमा L हो गई। अब हम यहाँ से RHS की बीमा निकालेंगे। तो देखिए, RHS की बीमा निकालेंगे तो 1/2 की कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि बीमाहीन राशि है 1/2, परिमेय संख्या है। अब जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा वही होती है जो त्वरण की बीमा होती है, तो त्वरण की बीमा होती है LT-2, और फिर टी टाइम है, टाइम की बीमा होती है टी, तो स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। और चलिए, इसको एक जगह कर देते हैं, तो ये हो गया LT-2T² हो गया, तो ये हो गया L, और T का पावर यहाँ -2+2 है, तो ये हो जाएगा L, और T का पावर 0 हो जाएगा। तो T का पावर 0 का मतलब किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि LHS की बीमा भी L है और RHS की बीमा भी L है, दोनों तरफ की बीमाएं समान हैं। तो यहाँ लिख देंगे LHS की बीमा इजकल टू RHS की बीमा। तो LHS की बीमा और RHS की बीमा समान है, तो आप कह देंगे कि यह सूत्र बीमी विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। यहाँ लिख दिया जाएगा, अतः सूत्र या समीकरण S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर विमीय विश्लेषण के दृष्टि से, विमीय विश्लेषण के दृष्टि से ठीक है। तो ये रहा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विमीय विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल T=2π√L/g के समीकरण का सत्यापन कीजिए। तो हम आपको बता दें कि कैपिटल टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल समय होता है, उस समय की बीमा कैपिटल टी होती है, आपको पता ही है, और 2π बीमाहीन राशि है, 2π की कोई बीमा नहीं होगी, और अंडर रूट यल, यल जो है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई होती है, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो चलिए, अब हम लोग इसका सत्यापन करेंगे। सूत्र है T=2π√L/g,
तो टी आवर्त काल है, हम यहाँ पर एल एच एस की विमा देखेंगे, तो एल एच की एल एच एस की विमा टी आवर्त काल है और आवर्त काल की विमा कैपिटल टी होती है। आवर्त काल का मतलब समय है। अब हम लोग यहाँ आर एच एस की बीमा निकालेंगे, तो आरएचएस की बीमा देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 2 पाई की कोई बीमा होती नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है उसकी कोई बीमा नहीं होती है। और फिर ये है अंडर रूट यल, लंबाई है, लंबाई की बीमा होती है यल। और जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस 2। तो फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यल से यल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1/(t^-2)। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट (t^-2) ऊपर चला जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हम इसकी बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी। तो एलएचएस की बीमा भी आपने देखा है टी और आरएचएस की बीमा भी है टी, तो लिख देंगे एलएचएस की बीमा इजिकल टू आर एच एस की बीमा। अतः दिया गया सूत्र सत्य है, लिख देंगे अतः दिया गया सूत्र सत्य है। इस प्रकार हम सूत्रों का सत्यापन करते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विमीय विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र भी इजकल टू अंडर रूट टी बाई एम की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो सूत्र है ये सूत्र सत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी एलएचएस की बीमा निकालेंगे, आरएचएस की बीमा निकालेंगे। अगर दोनों तरफ की बीमाएं समान हो जाएंगी तो कहेंगे कि सूत्र सही है, अन्यथा सूत्र गलत हो जाएगा। तो चलिए वी इजिकल टू दिया हुआ है अंडर रूट टी बाई एम। हम आपको बता दें भी चाल है, चाल वेग है और वेग की बीमा एल टी इनवर्स होते हैं। और ये देखिए कैपिटल टी डोरी में उत्पन्न होने वाला तनाव है, तो तनाव जो होता है ये बल के बराबर होता है, यानी तनाव की बीमा वही होगी जो बल की बीमा होगी। और यम जो है द्रव्यमान है, तो एक चीज बता दे, टी तनाव है, तनाव बल होता है और बल की बीमा आपको पता है एम एल टी माइनस 2 होती है। और ये यम, यम जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो एकांक लंबाई भले यहाँ यम लिखा गया है लेकिन वास्तव में ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, यानी लंबाई से इसमें भाग दिया गया और लंबाई को एक मान लिया गया है। तो चलिए यम, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम होगी और यल लंबाई है, लंबाई की बीमा यल हो जाएगी। और फिर ऊपर इसको लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ यल का पावर 1 है और ऊपर जा कर के ये हो जाएगा एल इनवर्स। चलिए अब हम यहाँ पर एल एच एस की बीमा निकालते हैं, एल एच एस की बीमा। तो एल एच एस में वेग है और वेग की बीमा आपको पता है कि वेग की बीमा होती है एल टी इनवर्स। अब इसके बाद हम लोग आर एच एस की बीमा निकाल रहे हैं, तो आर एच एस की बीमा हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी बाई एम। तो टी तनाव है, तनाव बल होता है और बल की बीमा आप देख रहे हैं एम एल टी माइनस 2। और फिर यहाँ देखें, जैसा कि यम के बारे में हमने बताया कि ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और इसकी बीमा हो जाएगी एम एल इनवर्स। तो फिर देखें क्या मिलेगा, यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट, देखिए यल है और नीचे एल माइनस 1 है, एल माइनस 1 ऊपर जाएगा तो यल हो जाएगा और टी माइनस 2, यानी देखिए क्या मिलेगा, एल इंटू एल एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे,
तो वर्गमूल निकालेंगे तो एल स्क्वायर का वर्गमूल एल हो जाएगा और टी का पावर माइनस टू का वर्गमूल टी का पावर माइनस वन हो जाएगा। तो आपने देखा LHS की बीमा LT इनवर्स है और RHS की बीमा भी LT इनवर्स है। यहाँ लिख देंगे LHS की बीमा इजकल टू हो जाएगा RHS की बीमा। अतः दिया गया सूत्र सत्य है, लिख देंगे अतः दिया गया सूत्र सत्य है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और फिर हम देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभी तो हम आपको चार क्वेश्चन बताए हैं और लगभग इसी तरह के चार पांच क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में चार पांच क्वेश्चन और बताएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, IIT मेंस में भी पूछे जाते हैं, जी में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीज़ें बताई गई हैं सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यूट्यूब पर जाकर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप दबा दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के आप मेंबर बन जाएंगे। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।